आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑप्टिमिज्म बायस्ड के बारे में, और जितना ज़्यादा आप इसके बारे में जानेंगे आपकी वह बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं, या फिर कोई पर्सन ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और इससे होगा क्या कि आपकी नॉलेज बेस एक्सपेंड होगा और आप अपनी लाइफ में, इससे पहले कि ऑप्टिमिज्म बायस्ड आपका कोई नुकसान करवाए, आप समझ जाएंगे कि नहीं, ये सच नहीं है, मेरा ऑप्टिमिज्म बायस्ड ही मुझे परेशान कर रहा है। तो गाइज, आई एम अंकित राय, वेलकम टू चैनल माइन एंड यू, और आज हम जानेंगे ऑप्टिमिज्म बायस्ड के बारे में। तो फिर आखिर ऑप्टिमिज्म बायस्ड है क्या? ऑप्टिमिज्म बायस्ड हमारी ब्रेन की वो टेंडेंसी है जिसमें हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ हमारे साथ अच्छा हो सकता है, उसे ओवर एस्टिमेट करते हैं, यानी कि हम एस्टिमेट करते हैं कि हाँ ये हमारे साथ हो सकता है, जबकि वो चीज़ें जो हमारे साथ बुरी हो सकती है उन्हें हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे साथ नहीं हो सकती। यानी कि आपके साथ कोई पूछेगा कि आपके साथ ये अच्छी चीज़ हो सकती है, हाँ मेरे साथ हो सकती है, जबकि कोई पूछेगा कि आपके साथ ये चीज़ बुरी हो सकती है, ना ना मेरे साथ नहीं हो सकती यार, मेरे ये सीन है, ये सीन मेरे साथ नहीं हो सकती, इसे कहते हैं ऑप्टिमिज्म बायस्ड। और अगर आप पहली बार बायस्ड के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो वीडियो जो मैंने पिछले फ्राइडे निकाली थी, व्हाट आर कॉग्निटिव बायस्ड। इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आखिर बायस्ड क्या है, कैसे काम करते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक डाल दूंगा, और अगर मुझे याद रहे तो मैं ऊपर आई कार्ड में भी उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। तो गाइज, हम आज बात कर रहे हैं आज ऑप्टिमिज्म बायस्ड के बारे में, जो कि आपकी टेंडेंसी, जो आपको ओवर एस्टिमेट, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा चांसेस देखते हो किसी चीज़ का अच्छा होने का अपने लिए, जबकि कम चांसेस देखते हो कि मेरे साथ बुरा हो सकता है। इसे एग्जाम्पल के साथ आपको मैं अगर समझाऊँ तो, अगर आपसे कहा जाए कि क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे, क्या आप ऐसी चीज़ अचीव कर पाओगे, क्या आप ये अच्छी चीज़ कर पाओगे, आपको हाँ हाँ मैं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये है, ये कारण है, ये रीज़न है, या मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, या मेरा DNA ऐसा था। जबकि आपसे कहा जाए कि आपको पता है बेसिक जो है इंडिया में हर 100 में से एक कार का एक्सीडेंट होता है, तो आपको क्या लगता है कि आपके क्या चांसेस हैं कि आपका एक दिन में कभी एक्सीडेंट हो सकता है? आपको नहीं नहीं मेरा चांसेस नहीं है, मैं सीट बेल्ट पहन के पहनता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। या आप ऐसी 10 चीज़ें बना दोगे जो आपके इस रिस्क को अंडर एस्टिमेट करेगी, जबकि आप ऐसी 10 चीज़ें यहाँ बताओगे जो उसको ओवर एस्टिमेट कर सकती है, जो कि आपके साथ चीज़ अच्छी हो सकती है। इसे मैं आपको एक टेस्ट के साथ आपको समझाता हूँ। तो हुआ क्या कि लोगों से सवाल पूछे गए, उनसे पूछा गया पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, यानी कि आपकी टेंडेंसी क्या है, क्या आप में से कितने लोग खुद को दुनिया में टॉप 10% में से मानते हैं इन बातों में। नंबर एक, ड्राइविंग स्किल्स, ज़्यादातर लोगों ने हाथ उठाया। नंबर दो, कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका, ज़्यादातर लोगों ने हाथ उठाया। नंबर तीन, वेल बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा गया था, मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है, यानी कि सारी पॉजिटिव चीज़ें थी। एक मिनट, हाँ, तो उनसे पूछा गया था कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स के बारे में क्या आपको लगता है कि आप टॉप 10% लोगों में से हो, सभी ने हाथ उठा दिया। क्या आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हो, सभी ने हाथ उठा लिया। क्या आपको लगता है कि आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, सभी ने हाथ उठा लिया। क्या आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हो, सभी ने हाथ उठा लिया। क्या आपको लगता है कि आपकी गेमिंग स्किल्स, यानी कि गेम खेलने की स्किल्स कैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, या फिर बहुत गंदी हैं, सभी ने कहा बहुत अच्छी हैं। यानी कि सारे अच्छे और पॉजिटिव सवाल पूछे गए और सभी ने आंसर दिया। और उसके बाद जो रिसर्चर था उसने वेल बेसिकली अपना डाटाबेस निकाला और उसने कहा कि दुनिया में 100 में से सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो ड्राइविंग स्किल्स में बहुत ही अच्छे हैं, जबकि 30% लोग ऐसे हैं जो ड्राइविंग स्किल्स में ठीक ठाक हैं, बाकी लोगों की ड्राइविंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं होती हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ 20% लोग अट्रैक्टिव होते हैं, अमेजिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। दुनिया में सिर्फ 30% लोग ऑनेस्ट होते हैं, 30% ज़्यादा हो गया शायद, मतलब जितना भी कहा था 2-3% जितना भी होगा लोग ऑनेस्ट होते हैं। तो इसके बाद अब ग्रुप की ओर देखा गया और बेसिक जनरल रूल क्या होता है, अगर आपके पास 100 लोग हैं तो 100 में से सिर्फ 10 ही लोग होंगे जिनकी ड्राइविंग स्किल्स वहां पर अच्छी होगी, जबकि 90 अपनी ड्राइविंग स्किल्स को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। और ये टेंडेंसी होती है ऑप्टिमिज्म बायस्ड की। और उसके बाद सेम टेस्ट जो है देखा गया कि आप रिस्क को कैसे लेते हो, यानी कि अपने साथ बुरे होने की चीज़ों को कैसे लेते हो। तो उनसे पूछा गया आपके कितने % चांसेस है कि आपको कोई घातक बीमारी हो सकती है, सभी ने कहा
नहीं, मेरे नहीं, एक आध हाथ खड़े हुए। हालांकि उसके बाद उन्होंने दूसरे उसने पूछा कि आपके कितने परसेंट चांसेस है कि आप यहाँ से बाहर जाओ और घर पहुँचने से पहले आपका एक्सीडेंट हो जाए, कितने परसेंट चांसेस हैं कि इस हफ्ते आपका वेल बेसिकली कोई फ्रॉड हो जाए या फिर आप कहीं पेमेंट दो और पेमेंट आपकी गायब हो जाए, आपके पैसे ना पाए, एंड ऑल दिस थिंग। यानी कि रिस्क जो है आप पूछा गया, यानी कि आपके साथ बुरा हो सकता है। और किसी ने भी वेल बेसिकली कहें तो 1, 2 या 3% लोगों ने हाथ उठाया, जबकि बाकी सब ने कहा कि नहीं, हमारे साथ में ही नहीं हो सकता। और उसके बाद रिसर्चर ने अपनी वो बेसिकली रिसर्च वाली बुक निकाली और उसके बाद बताया कि वेल बेसिकली डेंजरस बीमारियां होने के 10% चांसेस है लोगों को, और आप 1,000 लोगों में से सिर्फ 2 या 3 लोग उठा रहे हैं हाथ। यानी कि आप लोग अपने बीमार होने की टेंडेंसी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं, मेरे साथ नहीं हो सकता। ये वही बात है कि वेल बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट या फिर कहें राहुल द्रविड़ हमारे बहुत बार मूवी शुरू होने से पहले कहते हैं लीव स्मोकिंग, स्मोकिंग आपको किल कर सकती है, लेकिन आप सोचते हैं अरे मुझे नहीं, पड़ोसी मर सकता है, मैं नहीं मर सकता हूँ। सेम चीज़ गुटखा के लिए होती है, गुटखा खाने से कैंसर होता है, लेकिन आपको नहीं, पड़ोसी को होता है। यही चीज़ है, इसे ही कहते हैं आपका ऑप्टिमिज्म बायस्ड, जो आपकी बुरी चीज़ों के होने की टेंडेंसी को अंडर एस्टिमेट करता है और अच्छी चीज़ों के होने की टेंडेंसी को ओवर एस्टिमेट कर देता है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? और रीजन है वो प्रोसेस, वहां तक पहुंचने की प्रोसेस, वो दिमाग को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है, और इसीलिए आपका दिमाग इन चीजों को ऑप्टिमिस्टिक वे में देखता है। एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाऊं तो एक रिसर्च की गई अमेरिका में, और उसमें पूछा गया कि लोगों से आपका फेवरेट दिन कौन सा है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, आपका फेवरेट दिन कौन सा है? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि वेल बेसिकली संडे को हमें छुट्टी मिलती है, संडे के दिन हर कोई छुट्टी में होता है, तो लोगों को वेल बेसिकली ज़्यादातर पसंद होना चाहिए संडे। हर कोई कहेगा कि मेरा फेवरेट दिन संडे है, या फिर आधे लोगों का अमेरिका में वेल बेसिकली काम जो होता है 5 दिन का होता है, या फिर कुछ लोगों ने कहना चाहिए फ्राइडे। लेकिन आपको पता है 90% लोगों ने क्या कहा? 90% लोगों ने कहा कि हमारा फेवरेट दिन है सैटरडे। और इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फ्राइडे अभी संडे से बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो फ्राइडे इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, जबकि संडे के दिन जब आप उठते हैं तो आपको पता होता है कल साला सोमवार है और कल को काम में जाना पड़ेगा, मज़ा नहीं आता है। लेकिन सैटरडे, सैटरडे एक ऐसा दिन है जिस दिन आपको संडे का इंतजार होता है, वो प्रोसेस, यानी कि कल को संडे आएगा, कल को मैं घूमने जाऊंगा, कल को मैं डेट पे जाऊंगा, कल को मैं मूवी देखने जाऊंगा, जो भी आप चाहते हैं वेल बेसिकली अपनी लाइफ में, आपका इंतजार सैटरडे होता है। और इसीलिए जो है 90% लोगों का फेवरेट दिन जो है वो सैटरडे होता है। शायद ही आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी कि आपका ब्रेन आखिर इन चीज़ों को क्यों पसंद करता है। वहां पहुंचने की प्रोसेस, अब काम आपने संडे को करना है, लेकिन वो एक्सपीरियंस, वो पहले से फीलिंग कि यार कल को छुट्टी है, कल को मैं ऐसा करूंगा, कल को मैं वैसा करूंगा, ये फीलिंग आपको सैटरडे से आती है, और इसलिए आपको सैटरडे ज़्यादा पसंद है संडे के दिन। जबकि संडे की शाम होते होते आपका मूड एकदम ऑफ हो रहा है, यार कल सुबह जाना पड़ेगा, एंड ऑल दिस। तो शायद तो मैं हेल्प करता हूँ, तो मैं सॉरी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑप्टिमिज्म बायस्ड के ऊपर मेरी ये वीडियो आपको समझ आई होगी, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि कैसे ऑप्टिमिज्म बायस्ड काम करता है। इसके कुछ नेगेटिव वेज भी, अभी तक मैंने आपको सिर्फ पॉजिटिव वेज बताया, आपको बेसिक एक्सप्लेनेशन दी मैंने कि आखिर ऑप्टिमिज्म बायस्ड है क्या। और इसके नेगेटिव वेज ये हैं कि मान लीजिए आप एक पहाड़ी से कूद रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि मैं उड़ जाऊँगा या फिर मुझे उड़ना आता है, तो आप जरूरी ये है कि आप पैराशूट के साथ कूदें, क्योंकि बाय चांस अगर आप पहाड़ी से कूदे और आप उड़े नहीं, तो जब आप नीचे गिरोगे तो बहुत ही बुरा महसूस होगा, यकीन मानिए, प्रूफ के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ। तो कहने का मतलब इससे आप बेसिक एग्जांपल लीजिए, आप कोई भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कोई नई कंपनी शुरू करना चाहते हो, आप कुछ नया वेल बेसिकली कुछ जो भी आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हो, आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं उसके रिजल्ट्स को लेके। यानी कि मैं कंपनी शुरू करूंगा और 1 ही साल में मैं इतने रुपए कमा दूंगा, या मेरी कंपनी पूरी दुनिया में फैल जाएगी, पूरे इंडिया में फैल जाएगी। और होता क्या है कि जब आप वेल बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करते हो और 1 साल होता है और आपके इलाके के लोग भी अच्छी तरह आपकी कंपनी का नाम नहीं जानते, तो आपका मूड होता है यार मैं ये कंपनी बंद कर दूँ क्या। ये रिजल्ट होता है ऑप्टिमिज्म बायस्ड का, और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर आप बिजनेस के एरिया में हो या फिर कहीं भी हो। फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपका ऑप्टिमिज्म बायस्ड करते हैं, अरे नहीं यार इन लोगों को पढ़ना नहीं आता है, ये हो है, हम जाएंगे 6 महीने मेहनत करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, 6 महीने में जॉब ले लेंगे, और उसके बाद 1 साल पढ़ते पढ़ते हो जाता है और फिर भी आपके 100 में से 60 नंबर ही आते हैं, तो आपको लगता है शायद गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए नहीं बनी है।
इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है ऑप्टिमिज्म बाइस्ड। वो आपको बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखा देता है, यानी कि वो आपसे पहाड़ी से कूदने को कहता है बिना पैराशूट के, लेकिन मेरी बात मानिए, पैराशूट के साथ कूदिए। इस ऑप्टिमिज्म बाइस्ड को कंट्रोल में रखिए और चीजों को नंबर्स के बेस्ड पे, एक्चुअल जो आपको फिजिकल नंबर्स मिल रहे हैं, जो डाटा मिल रहा है, उनके बेस पर नापिए कि कब आप सक्सेस होंगे, कितना टाइम आपको लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। अपने इमोशंस को मैथ्स के ऊपर हावी मत होने दीजिए। और यही मेरी ऑप्टिमिज्म बायस्ड के ऊपर आपके लिए वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई और चैनल पर आप बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते एक नया बायस और नई एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।